कहां बच्चों को लेकर हुए मामूली विवाद में पुलिस पर हुआ हमला, कहां ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी, कहां गौशाला से बरामद हुई शराब। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार में मुजफ्फरपुर के तारसन गांव में मामूली विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने भाला और फरसा लेकर हमला बोल दिया, जिसके बाद जवानों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान एसडीएम और डीएसपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र में गंगा मेला के दौरान एक हादसा हो गया। दही हांडी तोड़ रहे युवक की रस्सी कमजोर होने से 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। जब तक लोग पुलिस को बुलाते, आयोजक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मोगा में एक एनआरआई की अपने ननिहाल मानू के गांव में कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। उन लोगों ने एनआरआई की गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कर्नाटक के हुबली में NWKRTC यानी कि नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने पुराने बस स्टैंड पर 4 और पकौड़े बेचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दिया जाए, नहीं तो 6 अप्रैल तक धरना जारी रहेगा। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने 2 नकली नोट तस्करों को 7,70,000 जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपियों के पास से चोरी के 18 मोबाइल, 3 फर्जी पहचान पत्र, 8 फर्जी आधार कार्ड, 2 तमंचे, कारतूस, नोट छापने के काम आने वाला कंप्यूटर, CPU, कलर प्रिंटर और चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई। बिहार के सुपौल में निर्मली टोला के पास 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सभी मृतकों की उम्र 45 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शवों की शिनाख्त की गई। तीनों सोनक और कजरा गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शवों को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने हाथीगवां गांव की एक गौशाला में छापेमारी कर 905 शराब की पेटियां बरामद की। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के 96 ड्रम भी बरामद किए। पुलिस ने 4 महिला समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस चूक के लिए दरोगा समेत 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। यूपी के मेरठ में एक 10वीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतका के ट्यूशन से लौटते वक्त उसके ट्यूशन के 3 लड़कों ने गैंगरेप किया और फिर जहरीला पदार्थ पिला दिया। हालांकि पुलिस इसे सुसाइड बता रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला डैम में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर का कार से संतुलन बिगड़ने से कार डैम में जा गिरी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। हालांकि कार के ड्राइवर को छोड़कर कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।